अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम इन्वेटर्स एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आपके लिए क्लासेस के सब्जेक्ट इंग्लिश के लेक्चर नंबर 7 के साथ हैं। लेसन नंबर हमारा 8 है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी और इसके वर्ड्स मीनिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखी थी। आज हम इसी लेसन की एक्सरसाइज पे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर ओपन कर लें 64। यहाँ भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एयर इज़ कॉल्ड प्लूटिड, विच एयर, कौन सी हवा इज़ कॉल्ड प्लूटिड आलूदा कहलाती है। इसका आंसर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख लें, दी एयर टू विच पॉइजनस गैसेस, दी एयर, ऐसी हवा जिसमें जहरीली गैसें, डस्ट, गर्द, स्मोक, धुआँ एक्सेट्रा वगैरह इस एडिट इज़ कॉल्ड प्लूटिड एयर, यानी कि ऐसी हवा जिसमें जहरीली गैसें, गर्द और गुब्बार और धुआं शामिल हो जाए, उसको हम जहरीली या उसको हम प्लूटिड एयर कहते हैं, यानी कि आलूदा हवा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज़ मॉडर्न लाइफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, व्हाई, क्यों इज़ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जदीद ज़िंदगी या जदीद दौर रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदार है फॉर एयर पोल्यूशन, हवा की या फिजाई आलूदगी का। इसका आंसर है, मॉडर्न लाइफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, जदीद दौर या मौजूदा दौर इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है फॉर एयर पोल्यूशन, फिजाई आलूदगी का। इट हैज़ इन्वेंटेड, इसने बहुत ईजाद की हैं हैवी मशीनरी, बहुत सी हैवी मशीनें, दैट इज़ डिपेंडेंट, जिनका इन्हिसार है ऑन फ्यूल, ईंधन पर, एंड इलेक्ट्रिसिटी और बिजली पर, यानी कि मॉडर्न जो हमारी लाइफ है, ये एयर पोल्यूशन यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी के लिए बहुत ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी हैवी मशीनरी को इन्वेंट किया है, ईजाद किया है, जो क्या करती हैं, ईंधन या बिजली के साथ ही वो चलती हैं। दी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बोलते हैं फैलाव को ऑफ सिटीज़, शहरों का, हैज़ बीन मेड आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं यानी कि दरख्तों को काटना, ठीक है, दरख्तों को काटने को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो हम आपको पता है कि जैसे हम दरख्त काटते हैं तो वहाँ पे न्यू वहाँ पे हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ हैज़ बीन मेड आफ्टर डिफॉरेस्टेशन, अब यही जंगलात को काट के, पौधों को काट के, तो लोगों यहाँ पे इंसानों ने नए शहर आबाद किए हैं, तो ये भी एक पोल्यूशन की है, यानी कि दरख्त कम हो रहे हैं, जैसे दरख्त कम होते हैं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़ाहिर है वो कम हो रही है, ऑक्सीजन हमें दरख्तों से ही मिलती है, जैसे दरख्त कम होंगे तो वो इसी तरह हमारी एयर जो है वो प्लूट होना शुरू हो जाती है, यानी कि आलूदा होना शुरू हो जाती है, एज अ रिज़ल्ट एटमॉस्फेयर हैज़ बीन प्लूटेड, तो यही जो सारी हमने पीछे बातें पढ़ी हैं, तो इसी के नतीजे में जो हमारी फ़िज़ा है, हमारा माहौल है, वो आलूदा हो जाता है। यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 2 कम्प्लीट है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन वट वेज डू व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज प्लूट द एयर, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कारखाने और गाड़ियाँ हवा को आलूदा कर रही हैं, व्हीकल्स होगी गाड़ियाँ, एंड फैक्ट्रीज और कारखाने, किस तरीके से कारखाने और गाड़ियाँ हवा को आलूदा करती हैं। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, कारखाने और गाड़ियाँ इमिट निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं डेंजरस गैसेस, खतरनाक गैसें, एंड स्मोक और धुआं इन टू द एयर, हवा में, सो एयर गेट प्लूटेड, तो इस तरह जो हवा है वो आलूदा हो जाती है। इसका क्या मीनिंग हुआ, फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ खतरनाक गैसें और धुआं हवा में निकालती हैं या छोड़ती हैं, इसका नतीजा ये होता है कि हवा आलूदा हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर दी अफेक्ट्स बोलते हैं असरात को ऑफ प्लूटेड एयर, आलूदा हवा के, ऑन रेन, बारिश पर, एंड वाटर और पानी पर, आलूदा हवा का बारिश और पानी पर क्या असर होता है। प्लूटेड एयर आलूदा हवा मेक्स बनाती है फ्रेश, ताज़ा एंड स्पार्कलिंग, चमकते हुए रेन ड्रॉप्स बारिश के कतरों को डर्टी, आलूदा एंड पॉइजनस और जहरीला। प्लूटेड एयर मेक्स फ्रेश एंड स्पार्कलिंग रेन ड्रॉप्स डर्टी एंड पॉइजनस, आलूदा हवा ताज़ा और चमकदार बारिश के कतरों को गंदा और आलूदा बना देती है। दिस एसिडिक रेन प्लूट वाटर एंड साइल टू, दिस एसिडिक, ये तेजाबी, एसिडिक क्या हो गया, तेजाबी रेन बारिश प्लूट आलूदा कर देती है वाटर, पानी को, एंड साइल और मिट्टी को, टू बी, दिस एसिडिक रेन प्लूट वाटर एंड साइल टू, अब यही तेजाबी बारिश पानी और मिट्टी को भी आलूदा कर देती है।
हमारा फिफ्थ, यहाँ तक फोर हमारा कंप्लीट होता है आंसर। फाइव क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर दी ग्रीन ट्रीज यूजफुल टू रिड्यूस पोल्यूशन। हाउ आर दी ग्रीन ट्रीज, कैसे सरसब्ज दरख्त यूजफुल, फ़ायदेमंद हैं या मुफीद हैं टू रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करने के लिए। इसका आंसर है ग्रीन ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ग्रीन जो यानी कि सरसब्ज दरख्त हैं प्रोड्यूस पैदा करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विच एड्स अप जो शामिल हो जाती है इन एयर हवा में। ट्रीज प्यूरीफाई एयर, यही जो दरख्त हैं प्यूरीफाई यानी कि इसको साफ करते हैं, प्यूरीफाई एयर हवा को साफ करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं एंड मोर ऑक्सीजन टू एयर मेक इट फ्रेश। और जितनी ही ज़्यादा जाहिर है दरख्त ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं तो जितनी ऑक्सीजन हवा के अंदर या माहौल के अंदर एटमोसफेयर के अंदर एड अप होती रहती है, शामिल होती रहती है, तो उतनी ही हमारी हवा हमारा माहौल वो साफ होता है और ताज़ा होता है। दैट्स वाई ग्रीन ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो इसी तरह हम कह सकते हैं ये जो सब्ज यानी कि दरख्त हैं यही हमारी पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है, हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आंसर और आंसर नंबर फाइव कम्प्लीट है। आगे हम सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हाउ डज द वेस्ट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बोलते हैं बिखर जाता है, हाउ डज द वेस्ट स्कैटर्ड, कैसे वेस्ट जो है या फालतू चीज़ें वो फैल जाती हैं आउटसाइड एडिट टू द एयर पोल्यूशन। बाहर बिखरी हुई ज़ाया अशिया किस तरह फिजाई आलूदगी में इजाफा करती हैं। द रबिश डिकेज एंड प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेस। रबिश किसको बोलते हैं, जो फालतू है या गंद या कचरा। डिकेज खराब है, खराब होता है एंड प्रोड्यूसेस और पैदा करता है पॉइजनस गैसेस जहरीली गैसें विच एड अप जो शामिल होती हैं इन टू द एयर हवा में एंड मेक इट मोर पोल्यूटेड और इसको मज़ीद आलूदा कर देती हैं। द रबिश डिकेज एंड प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेज विच एड अप इन टू द एयर एंड मेक इट मोर पोल्यूटेड। गंदी और तबाही मचाती हैं और जहरीली गैसें पैदा करती हैं, गंदगी है इसको देखें, गंदगी तबाही मचाती और जहरीली गैसें पैदा करती है जो कि हवा में शामिल हो जाती हैं और उसे आलूदा कर देती हैं। सिक्स यहाँ पे आंसर कंप्लीट है। सेवन क्वेश्चन देखें, व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू रिड्यूस, व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक, ऐसे कौन से इकदाम हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए टू रिड्यूस, कम करने के लिए पोल्यूशन आलूदगी को इन द एटमोसफेयर अपने माहौल में अपनी फिजा में। व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एटमोसफेयर, हम फिजा की आलूदगी को कम करने के लिए कौन से इकदाम कर सकते हैं या ले सकते हैं। द स्टेप्स इकदाम दैट वी कैन टेक जो हम ले सकते हैं टू रिड्यूस कम करने के लिए पोल्यूशन आलूदगी को इंक्लूड उनमें शामिल है, यानी कि वो कौन से इकदाम हैं जिनको हम इस ले के आलूदगी को कम कर सकते हैं। यूजिंग सोलर क्या था, शमसी, यूजिंग सोलर शमसी, यूजिंग इस्तेमाल करना और सोलर शमसी विंड हवाई एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज जराए, यानी कि हमें शमसी विंड हवा फिजाई और जियोथर्मल जराए को इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आयल। आयल क्या हो गया, तेल, गैस पेट्रोल, ग्रोइंग मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, लेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली का, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, बिजली का और ईंधन का कम इस्तेमाल करें। प्रमोट होता है आगे बढ़ाना या प्रमोट द कल्चर ऑफ यूजिंग बाइसिकल्स टू मूव फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज, यानी कि अगर हमने कम फासला तय करना है तो हम उसके किस कल्चर को आगे प्रमोट हमको करना पड़ेगा, बाइसिकल्स को हम यूज़ करें, ठीक है। इसे हम क्या होंगे, एक तो हम फ्यूल्स वगैरह उनके ये, इससे क्या होगा कि जो हम फ्यूल कम यूज़ करेंगे इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम होगी, जैसे हम एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इफेक्ट होगा और हमारी जो एयर है वो साफ होगी, फ्रेश होगी। तो यहाँ पे इसको देखें, द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू रिड्यूस पोल्यूशन इंक्लूड यूजिंग सोलर विंड एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ आयल, गैस एंड पेट्रोल, ग्रोइंग मोर ट्रीज, लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, प्रोमोट द कल्चर ऑफ यूजिंग बाइसिकल्स टू मूव फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज। वो इकदाम जो हम आलूदगी को कम करने के लिए ले सकते हैं इनमें शमसी हवा और जियोथर्मल ज़राए का इस्तेमाल करना है जो कि तेल, गैस और पेट्रोल की जगह किए जा सकेंगे। ज़्यादा दरख्त लगाएं,
और बिजली और ईंधन के इस्तेमाल में कम करें। इसके अलावा प्रमोट दी कल्चर और आप कम फासले को तय करने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आज हमने अपने जो हमारा टॉपिक था एयर पोल्यूशन, इसके हमने क्वेश्चन आंसर हल किए हैं और आज हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट हम अपनी जो बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।